जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो लेवल लाइटवेट रेडार्स के बारे में। हम जानेंगे कि सेना को इस समय लो लेवल लाइटवेट रेडार्स की जरूरत क्यों है, इनके आने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे ये सेना की ताकत में इजाफा कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम LAC कहते हैं, वहां पर भारत और चीन के आपसी संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों देशों ने बड़ी संख्या में अपनी सेना को वहां पर डिप्लॉय भी कर रखा है। चीन के तरफ से जो एरियल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसने भारतीय वायुसेना के लिए चिंता भी पैदा करी है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं, वहाँ पर रेडार्स को ऑपरेट करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि रेडार की जो बीम्स हैं बेसिकली वो पहाड़ या वहाँ की जो टेरेन्स हैं उनसे ब्लॉक होती हैं और इसका फ़ायदा एनिमी को मिल सकता है। चीन के एयरक्राफ्ट या फिर अनमैन एयर व्हीकल इन ऊंची ऊंची चोटियों की सहायता से, जहां पर रेडार उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, ये उनको अवॉइड करके भारतीय सीमा में एंटर कर सकते हैं और भारत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है लो लेवल लाइटवेट रेडार्स की। और यही कारण है कि भारतीय सेना में इस समय जो लो लेवल लाइटवेट रेडार्स हैं, इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, ताकि कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल या फिर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की सीमा में दाखिल ना हो सके। लो लेवल लाइटवेट रडार की श्रृंखला में हम शुरुआत करेंगे एसलेशा मार्क 1 से। एसलेशा मार्क 1 को भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है। ये एक मल्टीबीम ग्राउंड बेस्ड 3D सर्वेलेंस रडार है, जो कि डाइवर्स टेरेन्स जैसे कि प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन टॉप्स या फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में डिप्लॉय किया जाता है। ये रडार हेट्रोजेनस एरियल टारगेट्स जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, अनमैन एरियल व्हीकल या किसी लो या मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने वाले एरियल व्हीकल को ट्रैक कर सकता है। लेकिन जब बात पहाड़ों की आती है तो ये रेडार काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। ये क्वाड्रीपोड माउंटेन रेडार बेसिकली नेटवर्क या स्टैंड एलोन मोड पे ऑपरेट करने में सक्षम है। इसे ज्वाइंट या इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये एक एस बैंड रेडार है, जो कि 2 मीटर स्क्वायर रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को 50 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने की क्षमता के साथ में आता है। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसका वजन 200 किलोग्राम से भी कम है। ये फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, स्लो मूविंग लाइट एयरक्राफ्ट या फिर अनमैन एयर व्हीकल को ट्रैक भी कर सकता है। इसके अलावा ये जो रेडार है, ये एक ही साथ स्कैनिंग और ट्रैकिंग का जो काम है वो कर सकता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक रिमोट ऑपरेटेड रेडार है, यानी कि इसे किसी भी जगह पर ऑपरेट किया जा सकता है और ये इंश्योर करता है कि जो क्रू इसको ऑपरेट कर रहा है पूर्णतया सुरक्षित रहे और इसे किसी भी टैक्टिकल लोकेशन पे माउंट किया जा सकता है। ये एक लाइटवेट, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर रेडार है, जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। या तो इसे सेना के जवान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर लाइट व्हीकल या फिर इसे हेलीकॉप्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसको हम RFP कहते हैं, वो इशू करी गई थी। और इस RFP में 10 की संख्या में जो लो लेवल लाइटवेट रेडार हैं, इनके 10 इम्प्रूव वर्जन की खरीद की बात कही गई थी। ये जो लो लेवल लाइटवेट रेडार हैं, इनके प्रमुख कंपोनेंट्स में एक 3D यानी 3D ESA सर्च रेडार, कमांडर डिस्प्ले यूनिट, टारगेट डेजिग्नेशन सिस्टम और पावर सप्लाई यूनिट शामिल है। और ये जो 3D ESA सर्च एंटीना होने वाले हैं, ये गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स पर बेस्ड होंगे, जो कि डिजिटल बीम के साथ में होंगे। इन नए रेडार्स की सबसे खास बात ये होने वाली है कि ये वाइड बीम कवरेज और एलिवेशन में 50 किलोमीटर दूर से ही जो एरियल टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकेंगे और एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक भी कर सकेंगे। इनके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि 20 ट्रैक्स को ये मिनिमम 10 कमांड पोस्ट या 10 वेपन सिस्टम तक डेजिग्नेट कर सकेंगे, जिनके पास खुद का टारगेट डेटा रिसीवर होगा, जो कि रेडार से 20 किलोमीटर दूर भी स्थित हो सकता है। और आगे चल के इसे 20 TDR तक स्केल अप भी किया जा सकेगा। ये नया रेडार हर प्रकार के एक्टिव या पैसिव जैमिंग में भी डिटेक्ट डिस्टेंस पर वर्क कर सकेगा और इसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि हर प्रकार के जैमिंग अटैक को विदस्टैंड कर सके, फिर चाहे वो जिस प्रकार के हों। अब आइए बात कर लेते हैं एसलेशा मार्क 2 के बारे में, जो कि एक अपग्रेडेड वेरियंट है बेसिकली, और ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। दरअसल ये जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड लो लेवल लाइटवेट रेडार हैं, ये LAC में हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इसी के साथ साथ चीन की जो वायुसेना है उनके लिए ये सरदर्द भी बनने वाले हैं। उसका कारण है इनका लाइटवेट होना, जिसके चलते ये इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, कहीं भी इनको प्लेस किया जा सकता है। और इसके अलावा ये काफ़ी पावरफुल रेडार हैं। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होने के कारण इनका जो रेडार सिग्नल डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है।
डीआरडीओ की लैब एलआरडीई ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के एस्लेशा मार्क 2 का निर्माण ऑलरेडी कर रखा है। ये रेडार एक टू व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है, जिसमें सेंसर व्हीकल और पावर सप्लाई व्हीकल होती है, और ये सेमी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिव फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो कि गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स के साथ में होती है। एस्लेशा मार्क 1 से कंपेयर किया जाए तो इस रेडार की रेंज और हाइट काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। जी हाँ, इसकी कवरेज के लिए जो रेंज है और जो हाइट है वो पुराने रेडार की तुलना में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए इन्हें एक आदर्श रेडार माना जा रहा है। और ये रेडार पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट में फिट भी बैठता है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में ये जो रेडार हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास डिप्लॉय भी किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।